مولاي صل وسلم دائما ابدا على तो क्या करें
विरासत तेरी जरूरी है, उसको जला के खत्म करने के लिए और तुम देश के लिए और वो मुसलमान से गुनाह ही नहीं हुआ, हुआ ही नहीं गुनाह, वो तो मासूम है। अंबिया से गुनाह नहीं हुआ, मासूम है। सहाबा मासूम नहीं लेकिन महफूज है। ऐसे सहाबा हैं कि अल्लाह ने उनके गुनाहों के भी सबब बना दिया, सैयाद में हसना, उनके सैयाद को भी हसनात बना दिया। वो कहते हैं काम गलती का लेकिन फिर भी सवाल देते हैं, इमामों बाहर के इमाम से गलती हो जाए लेकिन एक सवाल फिर भी पूछता है और सही बात पा गए दो सौ एक इतिहाद का और एक सवाल पा गए। वो अपने आपने अगर तो सही समझे और उसके मुताबिक पहुंच गया तब तो दोहरे आदमी के होते हैं और अगर आपसे बल्कि हो समझने बदल जैसे भरोसा कर लिया खुफियों पर, खुफियों की ताकत को समझने में उनसे गलती हो। आजकल कहा जाता है हर खुफी जाए खुफी पर बदार नहीं होता है, तो समझने उनको अच्छी उन्होंने खुफियों की ताकत को समझा कि जजीद के खिलाफ हम उलट गए, उनके काले तो चले गए और फिर उन्होंने साथ नहीं दिया ताकत के समर्थन में और उनकी वफादारी को समर्थ में रखते होंगे माफ। इसलिए इमामों के गलती माफ, बहुत से इमाम मसाइल में गलती कर सकते हैं, खुद इमाम भाजपा का तो हम लोग इमाम मानते हैं नबी फौरन मानते। इमाम का मतलब हुआ फिर ज्यादा को उन्होंने सही समझा लेकिन पहले गलती भी हो जाए, गलती हो जाए। हमारे मौलाना हुसैन अगर मदनी नाम और उनको छोड़ी ना मौलाना सनाउल्लाह पानीपति का पुत्र जिनके माता उन्होंने वसीयत किया था कि मेरी नमाज जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ी गई पढ़ी जाएगी, मैंने ज्ञान की थी अंतिम के यहाँ सूर्य फातिहा तो नहीं पढ़ जाती नमाज करना चाहिए लेकिन उनकी नमाज पढ़ी माता पिता बहुत प्यार के साथ बस के नामा लगा हुआ हूँ। और कुछ देर बाद में जब मुझे खिलाफ मौलाना थे तो वो तहजीद की नमाज जमात से पढ़ हालांकि नफी जमात नमाज के अलावा तराम के अलावा ये मकलू है तो देवन उनके समय में पढ़ता देता था और वो पढ़ते थे, वो बहुत बड़े आदमी थे भाई किसी दूसरी का सिरे में आलू की ताकि बहुत पहुँचा अगर वो चलाए तो समझता है आप कर सकता है अपनी इमाम से
سارے مسائل کو جمع کر کے سرور میں پیش کرتے ہیں کہ ہم فیوچر میں ایسا کرتے ہیں. ہر چار ناسی مسائل اس سے ہم کیل سے نکل جائے گا. ہم کیے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی